हेलो फ्रेंड्स, सुमा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन हांडी, जो कि बहुत आसान तरीके से लाए हैं बनाने के लिए, और आप फटाफट बना लेंगे इसे। और देखिए, अच्छा दोस्तों, हम जो जो चीज़ें हम डालेंगे इसमें वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो देखिए, एक हमने कढ़ाई ले ली है और हमने ये एक चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। तो तेल हमारा गर्म हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो गया है और ये आधा चम्मच हमने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा ज़रा होने देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ज़ीरा हो चुका है और अभी हमने दो प्याज चॉपर में काट ली हैं बारीक बारीक, और ये हम डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। फिर हमारी प्याज हो चुकी है और अब इसमें हम मसाले जो डालेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, दो चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी ली है, एक चम्मच नमक, एक चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हमने काली मिर्च ली है पीसी हुई, और आधा ही चम्मच हमने मिर्च ली है। तो हम पहले ये डाल देंगे सारे मसाले। और दोस्तों, एक चम्मच भर के हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम भून लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा भून चुका है। ये देखिए, इसमें देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए, हमारा भून चुका है। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, आधा किलो हमने चिकन लिया है और ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अभी मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अभी हमने मिक्स कर लिया है और अब इसे हम इसमें हम दही भी डाल देंगे। तो देखिए, हमने एक कटोरी दही ली है, ये देखिए एक कटोरी दही भी हम इसमें डाल देंगे और साथों साथ हम इसे सबको भून लेंगे। तो देखिए, 5 मिनट के लिए हल्की आंच में हम इसे रख देंगे ढक के, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो 5 मिनट के लिए रखेंगे, चिकन तो वैसे भी गल जाता है। तो ये देखिए, हम इसे ढक के रख देंगे और आंच हम हल्की रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम खोल के लिया है। ये हमारे 5 मिनट हो गए हैं और ये चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है और ये दही ने पानी छोड़ दिया है। दोस्तों, अब हम इसे भूनेंगे। ये देखिए, तो इसे हम भूनते रहेंगे। पहले हम इसे भून लेते हैं, ये दही ने जो पानी छोड़ा है तेज़ आंच में करके हम इसे भूनेंगे। भून चुका है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये देख लीजिए आप। और अब इसमें हम एक कटोरी भर के मलाई डालेंगे। तो आप मलाई की जगह क्रीम भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, हमने मलाई डाल दी है। ये देखिए, मलाई के साथ हमने एक चम्मच कस्तूरी मेथी ये डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से इसके साथ हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर हम इसे ढक के रख देंगे ताकि मलाई भी हमारी अच्छी तरह से इसमें पक जाए, और 2 मिनट के बाद हम आपको खोल के दिखाएंगे। और हमने इसे खोल लिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये देखिए। और हम आपको आप डिश आउट करके दिखाते हैं। आप चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आपको क्या नाम इसे पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही चाहिए गुना गुना, तो हम पानी नहीं डाल रहे हैं। तो ये देखिए, अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखा रहे हैं। चिकन बन के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत सरल तरीके से हमने बनाया है। ये देखिए, आप ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार, और आपको अच्छा लगेगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होते हैं। थैंक यू दोस्तों।